दूर से, दूर से, दूर से, दूर से। अब गोकुलधाम कुरुक्षेत्र बनेगा और बहुत बड़ा युद्ध होगा, रिश्ते हारेंगे। सही बात है। प्रोडक्शन, आई नीड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ पोपटलाल। बात कीजिए। मामा जी, आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ये भिड़े ने तो जो गलती मैंने नहीं की है, उस गलती के आरोप में पुलिस में पकड़वा दी, तो आप भी जो सजा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कानून में भी दोनों पक्षों को सुना जाता है। सही बात है, है कि नहीं पांडे जी? हाँ, कानून में तो सुनते हैं पोपटलाल, पर पता नहीं ये मामा के गांव में क्या सुनते हैं। मैं मानता हूं कि मैं विद्या जी से मिलने शिवगंगा गया था, और हो सकता है कि मैंने उनसे जो बात की वो उन्हें पसंद ना आई हो, लेकिन आप एक बार विद्या जी से पूछिए कि अपने दिल पर हाथ रखकर कहे कि मैंने एक भी शब्द उनके मान सम्मान के खिलाफ बोला है, क्या उनको मानसिक प्रताड़ना हो ऐसा कुछ किया है? अगर विद्या जी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, फिर आप जो सजा देंगे वो भुगतने को मैं तैयार हूं। बुलाइए विद्या जी को। कहाँ है वो? विद्या नहीं, मैं तुमसे बोलूंगा पोपटलाल जी, और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी माफ करने के मूड में ही नहीं है। मैं आपसे माफी मांगूंगा। मामा जी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? पोपटलाल जी, आपके साथ अब तक जो हुआ है और अब जो हो रहा है, उस सब के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए। हैं? क्या? आए कहीं मैंने समझाई न दे रहे हो? तुमने आपको आया? नहीं। ये अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई? मामा, कुछ समझ में नहीं आया, काय बोलते हो तू? बता दो। इंस्पेक्टर साहब, पोपटलाल जी निर्दोष है। वो तो भगवान के दूध बनकर मेरी बेटी से मिलने आए थे। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? हाँ, मामा जी, आपका भांजा कह रहा है कि पोपटलाल ने आपकी बेटी का सम्मान नहीं रखा, उसे मानसिक प्रताड़ना दी, उसे गिरफ्तार करो, और आप कह रहे हैं कि पोपटलाल निर्दोष है, उसे छोड़ दो। देखिए पोपटलाल जी सिर्फ निर्दोष ही नहीं, हमारे परिवार के लिए खुशियों का देवता बनकर आए। अब चाहे तो विद्या बेटी से पूछिए। विद्या। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पोपटलाल जी तो निर्दोष हैं, बल्कि वो हमारी जिंदगी में खुशियों की लहर लेकर आए। हाँ? सचमुच बहुत ही समझदार और ज्ञानी इंसान है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसमान जमीन पर और जमीन आसमान पर। ओ यार प्रा, ये तो पासा पुट्ठा पे गया। मतलब ये कि सिचुएशन उल्टी पलटी हुई यार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इंस्पेक्टर साहब,
आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल निर्दोष है। छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अटल, छोड़ दो पपड़लाल को। यस सर। इनमें से आज एक को तो लेके ही जाऊंगा। मामा जी, तुहानु रब दा वास्ता है। हम सब यहाँ बहुत कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कल तक तो आप पोपट भाई और भेड़े भाई पे बहुत गुस्से में थे। हाँ, और आज उनसे माफी मांग रहे हैं। समझा दो, कल तक हम सब पोपटलाल के ऊपर बहुत गुस्सा थे, मगर आज हम सब शिवगंगा से पोपटलाल को धन्यवाद कहने और उनका सम्मान करने आए। सम्मान?